ठीक है। सो ये आप लोग का नोट्स में जहां पर भी होगा मोशन का डिफिनेशन लिखा है, वहां पर आप लोग नोट में ऐड भी कर सकते हो, देयर इज नो परफेक्ट रेस्ट एंड मोशन इन द यूनिवर्स बिकॉज इट इज अ रिलेटिव टर्म। लिख देता हूं, आप लोग ऐड कर दीजिए, देयर इज नो परफेक्ट रेस्ट और परफेक्ट मोशन इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना, बिकॉज मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, विच डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, और इसको बोलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है या ट्रू और फॉल्स में ये स्टेटमेंट आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वीक आप लोगों का क्विज होने वाला है, बताया होगा सर लोगों ने, सो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट। चलिए, सो आई होप कि सब लोग आ चुके हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं फ्रॉम द एक्सेलरेशन। सो लास्ट क्लास में अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफिनेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, दैट इज 1D, 2D एंड 3D, एंड देन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका भी डिफिनेशन देख लिया था, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंड देन स्पीड एंड वेलोसिटी, इनके बीच में डिफरेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो क्या था, स्पीड या बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इस फॉर्मूले से हम लोग तीनों क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बस करना क्या, इक्वल टू के ये साइड ले जाइए, मल्टीप्लाई डिवाइड को करस्पॉन्डिंग एक्सचेंज कर दीजिए, सारा फॉर्मूला बन जाएगा। लेट सी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, और टाइम इज इक्वल टू अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, है ना। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था, यहां से ही सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। ओके आयुष, वेरी गुड, यू रिमाइंड मी अबाउट दैट। ओके आयुष को एक डाउट था, मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं, अबाउट द प्रीफिक्स ऑफ यूनिट। जैसे हमने यूनिट पढ़ा था ना, 7 यूनिट होता था फंडामेंटल, है ना, उसमें कुछ प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, जैसे मीटर होता है, तो मीटर क्या होगा, मीटर इज यूनिट, लेकिन जब हम लोग इसको लिखते हैं किलोमीटर, तो मीटर तो यूनिट है, किलो क्या है, किलो इज नोन एज प्रीफिक्स, दिस इज प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स हैज सम वैल्यू, इसका कुछ वैल्यू होता है, जब भी किलो लग गया इसका कुछ वैल्यू होता है, किलोमीटर होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम तो यूनिट ऑफ वेट है, सॉरी मास है, पर किलो क्या हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स। तो एक्चुअली क्या है ना, कि जब हमारा मेजरमेंट होता है, वो मेजरमेंट अभी तक जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर किया गया या जो फिजिक्स में यूज किया जाता है, दैट इज द 10^-34 लेवल, और जो हाईएस्ट वैल्यू है जो यूज किया जाता है या अभी तक रिज्यूम किया गया, आवाज कट हो गया, क्या बोले, 10^-34 ये होता है प्लैंक्स वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर मैसेज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वो वॉइस आप लोगों का कट हो रहा है। 10^5 होता है, ये होता है साइज ऑफ, या बोल सकते हो मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब जितना हम लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सके अभी तक, उसका मास 10^5 के ऑर्डर का होता है, 10^5 ऑर्डर के,
और ये हो गया 10^-34। मतलब यू कैन, आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा वेरिएशन है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, 10^55। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि एक के ऊपर 55 जीरो है ना। अगर हम लोग लाख में बात करें तो एक पर 5 जीरो ही होता है, 10 लाख 6 हो गया, करोड़ 7 हो गया, 10 करोड़ 8 हो गया, अरब 9 हो गया। तो समझिए कि एक पर 9 जीरो मतलब 1 अरब, ये एक पर 55 जीरो है। ओके शिखर, शुरू से देखिए। आयुष ने पूछा है कि प्रेफिक्स क्या होता है, तो देखिए प्रेफिक्स एक टर्म होता है जो कि यूनिट के पहले आता है, जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी का होता है, जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। वो प्रेफिक्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं वो मैं बता रहा था कि प्रेफिक्स इस्तेमाल करने के पीछे का कारण है कि जो हमारा मेजरमेंट है वो बहुत ही बड़े बड़े क्वांटिटी के होते हैं। तो जो 10^5 kg है, इन सब को, या 10^-34 है, 10^10 है, 10^-10 है, अगर इस तरह का कुछ अगर आपका मेजरमेंट आता है तो उस मेजरमेंट को आप 10^-10 ना लिख करके, 10^-10 ना लिख करके आप इसको रिप्लेस कर सकते हो बाय एनी प्रीफिक्स, कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रीफिक्स, है ना। अब जैसे आपने कोई एक मेजरमेंट किया, लेंथ मेजर किया, जिसका वैल्यू है 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो आप 1000 मीटर ना लिख करके आप क्या लिख सकते हो इसको, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1 किलोमीटर, जहां पर किलो का वैल्यू कितना हो गया, के का वैल्यू हो गया कितना, 1000। तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि के का मतलब हो गया 1000। वैसे ही बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं, मैं आपको कुछ प्रीफिक्स का लिस्ट देता हूं जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपको कॉमनली बहुत सारे यूज में आएगा, है ना। तो देखिए ये हो गया बेसलाइन जीरो, अब इसके ऊपर प्लस और इसके नीचे माइनस, बोले तो 10^1, 10^2, 10^3, 10^4, 10^ ऐसा चलता है, 10^3 के बाद डायरेक्ट 10^6 में आ जाते हैं। अब ये आप लोगों ने सुना होगा, किलो, हेक्टा, डेका, और ये तो हो गया आपका मीटर, जीरो लाइन। फिर आ जाता है डेसी, सेंटी, मिली मीटर। अब ये हो गया 10^-1, 10^-2, 10^-3। अब ये सुना होगा ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, इस तरह का आपने वर्ड सुने होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो यहां पर, यहां से आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो इसमें। अब यहां पर दिया ना सी, मान लो कि आपने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो यहां से आप कितना लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो ये वर्ड 10^-2 meter, है ना। आपको दिया गया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो आप कितना लिख सकते हो, 10^-3 meter। आई बात समझ में। या आपको दिया गया 1 मीटर, उसको कन्वर्ट करना है mm में, मिलीमीटर में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं देखो स्मॉल m से, है ना, ये स्मॉल c से, ये डेसी हो गया, ये डेका हो गया, ये हो गया हेक्टो, और ये हो गया किलो, किलो का वैल्यू हो गया 1000, जैसे 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 10^3 meter, 10^3 meter। अब ये पावर तो आपको समझ में आता होगा, 10^3 का मतलब क्या हो गया, 10 × 10 × 10, इसका मतलब यही हो गया। देखो 10^-3 एक इमेजिनरी ऐसा कंसेप्ट है जो क्वांटम में इस्तेमाल होता है, अभी आप लोग उसका टर्म सुने भी नहीं होंगे, एक प्लांक कांस्टेंट होता है, तो प्लांक्स के द्वारा बनाया गया एक टाइम है जिसका वैल्यू 10^-34 ऑर्डर का होता है ना, और उससे कम है वैल्यू में, अगर मास ऑफ प्रोटॉन भी देखोगे तो अप टू कितना है, 10^-27, 10^-31, इस रेंज में आता है। ओके, सो -34 सबसे हाईएस्ट प्लैंक्स टाइम का होता है, और 10^55 ये मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना आप यूनिवर्स को देख सकते हो। इज इट इंपॉर्टेंट टू राइट मीटर, नो, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए याद करने का एक तरीका बताया, मीटर भी हो सकता है, ग्राम हो सकता है,
ये मैंने एक जस्ट फॉर आपको एग्जांपल बताया। तो ये मीटर लिखने का मतलब ये हो गया कि जीरो लाइन। अब यहां से अगर आप कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्ट लिखोगे जीरो लाइन पर, है ना। तो याद ही इसको ऐसा करते हैं, किलो हेक्टर डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ये एक बोल सकते हो कि पहाड़ा है या याद करने का तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक है, तो वो आप लोग भी सीख लो। हेक्टर इज अ प्रेफिक्स, यस। हेक्टेयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया, हेक्टो इज प्रीफिक्स। बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है बट आता है। सबसे ज्यादा यूज में क्या आएगा आपको, किलो आ जाएगा, सेंटी आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। ओके अंबुत, अच्छी बात है। सो क्वांटम एक टर्म है जो आप लोगों को ट्वेल्थ में सुनने को, हाँ ट्वेल्थ में ही आपको सुनने को मिलेगा। सो ये टर्म हो गया, अब तो यहां तक समझ में आ गया होगा। किलो के बाद आ जाता है मेगा, कैपिटल एम। इसको साइड में हम नाम भी लिखते जाएंगे, इसको बोलते हैं मेगा। मेगा बोले तो 10^6, इसको बोलते हैं किलो, इसको बोलेंगे हेक्टो, इसको बोलेंगे डेका, इसको बोलेंगे डेसी, इसको बोलेंगे सेंटी, इसको बोलेंगे मिली, है ना। मेगा के बाद आता है गीगा, गीगा जी, गीगाबाइट, मेगाबाइट आता है ना अपने पास स्टोरेज कैपेसिटी या प्रोसेसर में 4 GB का है, 5 GB का है, इसका मतलब क्या हो गया, जी बोले तो गीगा, गीगाबाइट। आयुष प्रीफिक्स का कोई ऐसा है नहीं, पर अपने लिमिट के हिसाब से हम लोग 10^-15 तक जाने या 10^15 तक जाने तो भी अच्छा है। वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, 10^-15, -18, -21, -24, वैसे 3-3 बढ़ते जाइए आप। सो 10^6 के बाद आ जाएगा 10^9, ये हो गया गीगा। गीगा के बाद आता है टेरा, टेराबाइट, सो टी, इसको कहां लिखूं, ये दिख रहा है TERA, टेरा, 10^12, है ना। टेरा के बाद आता है पेटा, जरूरत नहीं है फिर भी बता रहा हूं, 10^12 के बाद 10^15, पेटा, पी, सब कैपिटल में। और पेटा के बाद आता है एक्सा, कैपिटल ई, एक्सा, 10^18। तो ये हो गया प्लस वैल्यू। अगर 10^18 के ऑर्डर का अगर आपका कोई मेजरमेंट आता है तो वहां पर आप लिख सकते हो एक्सामीटर या एक्साग्राम, है ना, एक्साबाइट, कुछ भी आप लिख सकते हो, एक्सा न्यूटन, ये भी टर्म इस्तेमाल हो सकता है, एक्सा बार, कुछ भी अगर 10^18 के ऑर्डर में आता है तो आप डायरेक्ट एक्सा लिख सकते हो। ये प्रीफिक्स का यूज है। तो ये हो गया प्लस में, है ना, यहां से आ गया मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हो गया होगा प्लस में, आई होप कि ऊपर वाले लिख लिए होंगे। अब नीचे का लिखने जा रहा हूं माइनस टर्म में। मिली के बाद आता है माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो हो जाता है 10^-6। माइक्रो के बाद आता है नैनो, एन, नैनो, नाम सुने होंगे, नैनो टेक्नोलॉजी। सो इसका मतलब हो गया 10^-9। माइक्रोबायोलॉजी मतलब 10^-6 के ऑर्डर के उस जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके साइज होंगे, है ना, नैनो। अच्छा बीच में एक टर्म आता है, ये सीरीज में तो नहीं है लेकिन 10^-10, इसको बोलते हैं एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग। जो वेवलेंथ वगैरह है वो आपने सुना होगा कि लाइट का वेवलेंथ या कुछ वेवलेंथ के टर्म में, तो वो आ जाता है एमस्ट्रॉन्ग में, है ना। सो ये हो गया माइक्रो, नैनो, नैनो के बाद किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली मीटर, माइक्रो, नैनो एंड पिको, स्मॉल पी, पिको, 10^-12।
ये हो गया पीको, और इसके बाद इधर आते हैं, इसके बाद आ जाता है 10^-15, इसको बोलते हैं फर्मी, ठीक है। तो 10^-15 इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, ओके सर। फर्मी का साइन स्मॉल एफ, देखिए जो बॉटम वाला है सब स्मॉल में जाता है, ऊपर वाला कैपिटल में जाता है, ये इनको छोड़ करके। इसको लिखिए फटाफट, हो गया सर। हो गया, ओके। ये हो गया 10^-18, इसको लिखते हैं स्मॉल ए से, और इसको बोलते हैं एटम। अच्छा यहां पर एक चीज, डेका का डीए होता है और ये होता है स्मॉल डी से, वही मैं भी कंफ्यूज था कब से। सो डेका डीए और डेसी स्मॉल डी से होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। सो आयुष क्लियर हो गया होगा ये प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर लार्जर क्वांटिटी का मेजरमेंट हो जो 10^ समथिंग आता है, तो उसको हम लोग उसको रिप्लेस करके एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो वो क्या करता है, यूनिट को आपको सिर्फ क्वांटिटी प्रोवाइड करता है, क्वांटिफाई कर देता है। चलिए सो बैक टू द सिलेबस, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि कौन कितना जल्दी स्पीड पकड़ता है। जैसे बाइक के दीवाने आप बहुत लोग होंगे, बहुत लोग बाइक चलाना जानता भी होगा या खरीदने जाता भी होगा, है ना। तो उसमें एक आता है आपको टर्म लिख करके, 0 to 60 km/h के स्पीड ये 3 सेकंड में सिर्फ पकड़ लेता है। मतलब ये कि ये 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ने में इसके इंजन को सिर्फ 3 सेकंड ही लगेंगे, मतलब इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। किसी को 0 to 60 km/h का स्पीड पकड़ने में 5 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है। तो जिसके इंजन का सीसी का ज्यादा होता है वैल्यू, सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, सो जिनके इंजन का सीसी का वैल्यू ज्यादा है वो स्पीड इजिली पकड़ लेते हैं, बहुत ही तेज स्पीड बहुत कम समय पकड़ लेते हैं। इसका मतलब हाउ फास्ट इट इज डिनोटेड बाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि गाड़ी कितनी फास्ट भाग सकती है, कितना जल्दी स्पीड पकड़ सकता है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है, दैट इज द रेट ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, गाड़ी का स्पीड अगर 0 to 60 जाता है, इसका मतलब पहले क्या था 0, बाद में क्या हो गया 60, और ये 60 km/h तक जाने में जो उसको टाइम लगा वो कितना लगा, 3 सेकेंड, है ना। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और इसी का रेट निकालना है, रेट मतलब पर यूनिट टाइम। सो डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन। सो फॉर्मूला इसका हो जाएगा, मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, मैथमेटिकली वी कैन राइट एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वर्ड्स में लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर बोर्ड नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी
सिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन। सो इनिशियल से फाइनल जाने में जितना टाइम लगा उसको डिवाइड कर देंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो लिख सकता हूं वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दिस इज द एक्सेलरेशन। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो वो भी तो वेलोसिटी है ना, 20 किलोमीटर पर सेकेंड। आयुष थोड़ा मिस्टेक कर गए, ट्राई करते हैं अपन लोग यही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो वो भी वेलोसिटी ही होगा, है ना। इसका मतलब v माइनस यू विल ऑल्सो गिव सम काइंड ऑफ वेलोसिटी। अगर लेंथ माइनस लेंथ करेंगे तो लेंथ ही होगा, जीरो तो होगा नहीं। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करेंगे तो डिस्टेंस आएगा नहीं, वेलोसिटी ही आएगा। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, दूसरी बात, जो इसका यूनिट होगा वो कैसा होगा? वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। सो जब सेकेंड नीचे की तरफ आ जाएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन या इट्स एक्सेलरेशन इज, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस में हो जाएगा? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। और मीटर की जगह लिख देंगे सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट। सो इट विल बी सीजीएस यूनिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और क्या होगा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। सो एक्सेलरेशन कैन बी, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, है ना। अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एक नाम है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, जैसा पहले है। निगेटिव एक्सेलरेशन को एक अलग नाम देते हैं जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन, है ना। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजेस स्पीड, इंक्रीजेस स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। सो अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है, मतलब 0 से 60 किलोमीटर पर आवर, तो 0 क्या था? स्पीड कम था इनिशियली, बाद में कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपका स्पीड क्या हो गया? इंक्रीज किया। जब आपका स्पीड इंक्रीज किया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन या ओनली एक्सेलरेशन। बट नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ऑफ मूविंग बॉडी एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्या? रिटार्डेशन। डीएक्सेलरेशन भी बोलते हैं ना? डीएक्सेलरेशन भी बोलते हैं, बिल्कुल सही। रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। सो डीएक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं।
ओके अच्छा, निगेटिव एक्सेलरेशन का केस क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लिखें, देखिए इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल when we apply brake, then body will retard or decelerate. So इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि एक गाड़ी है वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, ऑल ऑफ द सडन एक ब्रेक लगाया गया तो गाड़ी का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो गया 5 सेकंड में, तो बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो घबराने की बात नहीं है, जो आपको फॉर्मूला बताया जाएगा उस फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगा। सो आपको पहले ही निगेटिव मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव साइन के आ जाता है, निगेटिव साइन के साथ आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन है। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं फिर एक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो एक पहले क्वेश्चन सॉल्व करके फिर देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अ बाइकर, बाइकर जो बाइक चलाता है, starts from rest, achieve velocity of 30 meter per second in just 0.5 minute, find acceleration. So acceleration find out करिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, 1 meter per second, ओके पर सेकेंड नहीं होगा, पर सेकेंड स्क्वायर होगा, चलो टाइप करने में दिक्कत होगी, समझ सकता हूं। सो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बोल रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब जीरो। सो गिवन में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू जीरो, और टाइम कितना लग रहा है 0.5 मिनट, है ना। तो एक तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा, a इज इक्वल टू 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 0.5। ध्यान रखिए ये मिनट में है, और यहां पर जो लिखा हुआ वो क्या है, पर सेकेंड है ना। तो या तो इस सेकेंड को मिनट में बदल दीजिए या इस मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए, क्योंकि आप डिवाइड, और मैंने बोला था कि अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, तो यहां से क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 60 सेकंड, एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 0.5 को लिख सकते हैं क्या, 1/2, सो 1/2 इंटू 60, ये हो जाएगा 30 किंसिल, तो यहां से हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आ गया यहां से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, हाँ, उस पिछले एग्जाम्पल में जो आपने गलत किया था वो यूनिट का ही किया था, 0 से 60 आवर का स्पीड 3 सेकंड में अगर अचीव करता है, तो सबसे पहले आपको चाहिए था किलोमीटर पर आवर को सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदल दे, या सेकंड को आवर में बदल दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, बस traveling with a speed of 54 kilometer per hour suddenly driver applied brake
एंड ब्रिंग द स्पीड ऑफ बस टू 36 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 3 सेकेंड. फाइंड एक्सेलरेशन. सो आई विल वेट फॉर योर आंसर. यू हैव 2 मिनट. सॉल्व करिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है. क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं. अ बस ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर सडनली ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग्स द स्पीड ऑफ बस टू 36 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 3 सेकेंड. फाइंड एक्सेलरेशन. भूत जैसा लग रहा है. -1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर शिखर. ओके, सो सबसे पहले क्या देख लेंगे इसमें. गिवन डेटा चेक करेंगे. गिवन डेटा क्या क्या है. So what will be the final speed? That will be the 36 किलोमीटर पर आवर. So v is equal to हो जाएगा कितना, 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, -5 आ रहा है किसी का, यहां पर चमक रहा है. मैं आगे लिखता हूं, v is equal to 36 किलोमीटर पर आवर. और u is equal to -5/3 आ रहा है. -5/3. ओके, लेट्स चेक. U is equal to कितना हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर. तो 54 किलोमीटर पर आवर. और आपको टाइम दिया गया है कितना, 3 सेकेंड. तो गिवन डेटा से एक चीज तो समझ में आ रहा है क्या, यहां पर किलोमीटर पर आवर है, यहां पर किलोमीटर पर आवर है, यहां पर सेकेंड है. तो इसको क्या करेंगे, यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे. या तो इनको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए या इनको आवर में बदल दीजिए. हमारे पास आसान क्या होगा कि इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं. तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, अगर 1 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसको बदल सकते हो मीटर पर सेकंड में बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग 15/18 मीटर पर सेकंड. ओके, यस, इट इज रिटार्डेशन. सो हम लोग इसको यूज करेंगे यहां पर. तो क्या हो जाएगा ये, अगर 36 × 5/18 करेंगे, 36 × 5/18, सो 18 × 2 it will become 10 meter per second. Similarly, it will become, okay, agamya 5/3. Unit kya hoga? Ye ho jayega 54 × 5/18. Agamya unit kya hoga? So, it will become 15 meter per second. So, hamare paas data a gaya hai. Initial velocity hai 15 meter per second and final velocity hai 10 meter per second. So acceleration is equal to होता है v minus u by t. So v हो जाएगा कितना, 10 minus 15 divided by 3. So ये हो जाएगा minus of 5/3 meter per second square. Okay Ambuz, very good. So minus sign represent retardation. Minus sign represent retardation. Okay. So let's move on. आगे बढ़ते हैं. ये हो गया acceleration का. अच्छा, एक statement है जो आप लोग बताइएगा example इसका. As 5/3 will become how much? 1.66. So it will be correct if it is 1.66. So एक question है, statement ऐसा है कि if velocity of an object is 0
देन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी जीरो। ये है एक स्टेटमेंट, ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन है। सो बताइए ट्रू और फॉल्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ट्रू, आयुष का आया आंसर ट्रू। दिमाग लगाओ, इतना आसान नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। चैलेंज फॉर यू ऑल, अगर किसी ने भी सही आंसर विथ एग्जाम्पल बताया तो, ऐसा नहीं जय माता दी फॉल्स, जय हनुमान ट्रू, ऐसा कुछ भी नहीं, विथ एग्जाम्पल अगर किसी ने भी हमें सही बता दिया तो। चैलेंज फॉर यू ऑल, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो हो गया तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा। इफ फाइनल वेलोसिटी इज जीरो देन इट इज ट्रू। ओके, मैं बताऊंगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो भी उसके पास एक्सेलरेशन होगा। विनायक ट्रू। चलिए, सो मैं बोलता हूं इट इज फॉल्स। अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो जरूरी नहीं कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और यहां से आपने एक फेंका बॉल और ये आया कुछ इस तरह से, है ना। तो ये जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस यहां पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, यहां पर बड़ा लिखता हूं, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता। आई बात समझ में? अगर ये वेलोसिटी यहां पर जीरो नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता, पर चूंकि यहां पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाता है और फिर वो नीचे की तरफ उसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 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 क्या यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगेगा? लगेगा। जहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। ओके, चलिए, सो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए इसके आगे नोट करके। Yes, if velocity is constant, then acceleration will be zero. So, वो अभी देखते हैं। आगे एक statement लिखिए है सर। If velocity of an object is zero for very short interval of time, very short इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो। तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, है ना। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट होगा बट इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन मस्ट बी
सो अगर वेलोसिटी थोड़े देर के लिए जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी बहुत ज्यादा देर के लिए जीरो पर हो गया तब जाकर के आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये मस्ट है, ये कंफर्म है। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट इफ बॉडी ट्रेवल्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इफ बॉडी ट्रेवल्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी then acceleration will be then acceleration will be zero। So, अगर बॉडी का स्पीड कॉन्स्टेंट है मतलब वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तब जाकर के एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। चलिए ये स्टेटमेंट लिखते जाइए, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, सोचिएगा इसके ऊपर, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ फोर्स इज जीरो कौन सा फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो देन एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी जीरो, देन A is equal to G. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg और 2 kg का एक मास है, इधर से भी 10 newton का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 10 newton का फोर्स लग रहा है और इसका वेलोसिटी है 20 m/s। तो इस केस में यहां पर एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, जीरो। ये एक स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन will be along direction of net force। इसका मतलब क्या हो गया कि जो acceleration का direction होता है वो उसी direction में होगा जिस direction में net force लग रहा होगा। So अगर ये accelerate कर रहा है, समझिए इस बात को, अगर body accelerate कर रहा है इसका मतलब अगर वो positive direction में तो फोर्स भी किधर लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर बॉडी का पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो जो फोर्स लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होगा। अगर आप जैसे बाइक है, बाइक को अगर आप स्पीड अप कर रहे हो, है ना, मतलब उसके स्पीड को बढ़ा रहे हो तो फोर्स किधर लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन रिटार्ड कर रहा होगा, रिटार्ड का मतलब क्या हो गया, आप चल रहे हो ऐसा और एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे, आप ऐसे चलोगे एक्सेलरेशन लगेगा पीछे, तभी तो जाकर के आपकी वेलोसिटी को कम करेगा, तब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। इसका मतलब जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी के ऊपर तो जो फोर्स लगता है वो किधर की तरफ लगता है, पीछे की तरफ लगता है ना। अच्छा, ब्रेक हम लोग अप्लाई करते हैं तो गाड़ी ब्रेक की वजह से नहीं रुकती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो आप कितना भी ब्रेक मार लो गाड़ी नहीं रुकेगी। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है उस समय, पीछे की तरफ लगता है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, वंस अगेन चैलेंजिंग क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स में
if a speed of a moving body, if a speed of a moving body is constant, then acceleration must be zero. ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी मूविंग बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जैसे मूविंग बॉडी का कांस्टेंट वेलोसिटी होता था ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर क्या होता था, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता था। लेकिन क्या अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा? आयुष का आंसर आया यस। मैंने बोला जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ है। अगर मैंने बोला कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका मतलब समथिंग इज देयर विद इट। थोड़ा सा रुक करके दिमाग लगा करके सोचो, कुछ ऐसा कंडीशन होता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, सोचिए ट्रू और फॉल्स। क्या ये ट्रू है? अगर फॉल्स बोलोगे तो मैं रीजन पूछूंगा। चलिए कोई नहीं बताएगा मुझे लग रहा है। तो देखिए बेसिकली ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो स्पीड तो कॉन्स्टेंट होना मस्ट है। एक्सेलरेशन बेसिकली मीन्स हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्पीड, एंड इफ द बॉडी एक्सेलरेशन बेसिकली मीन्स हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्पीड, एंड इफ द बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विच मीन्स स्पीड इज नॉट चेंजिंग एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। ओके ओके अब्दुल्ला, ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा ट्राई किया है, आई एम वेरी ग्लैड, यू ट्राइड वेरी गुड, बट my answer is false. Okay, so answer will be false. Example batata, dekhiye agar main bolta hu constant velocity, iska matlab ye ho gaya ki body ka magnitude bhi change nahi ho raha hai aur direction bhi change nahi ho raha, because velocity is a vector quantity. agar vector quantity hai iska matlab uske paas kya hoga, magnitude hoga aur as well as डायरेक्शन भी होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज, या बोल सकते हो कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो चेंज हो जाएगा है ना, या स्केलर क्वांटिटी होगा वो भी चेंज होगा। लेकिन मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ तो स्केलर क्वांटिटी तो कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। सो अगर डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज, सो डायरेक्शन चेंज वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज एक्सेलरेशन चेंज। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब मैं बताता हूं कि वो केस कौन सा होगा। अगर आपका स्पीड कॉन्स्टेंट रहे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहे है ना, तो मान लीजिए आपका केस कुछ ऐसा है, सर्कुलर मोशन, ओके, सो दिस इज योर सेंटर एंड बॉडी स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस, बॉडी मूव कर रहा है। अगर इसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब हर एक पॉइंट पर लेट से इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड यहां पर भी है, 10 मीटर पर सेकंड यहां पर भी है, 10 मीटर पर सेकंड यहां पर भी है, थ्रू आउट द जर्नी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सब जगह क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड। ये स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बट हियर क्या इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम, यहां पर डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, यहां पर डायरेक्शन किधर होगा, इधर, यहां पर किधर होगा, इधर, इस पॉइंट पर किधर होगा, इधर। तो क्या स्पीड का डायरेक्शन सब जगह सेम है? नहीं, ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन इसका डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
डिस्पाइट ऑफ कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, 10 मीटर पर सेकंड यहां से भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, हर एक पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है इसका, लेकिन डायरेक्शन बदलते जा रहे। सो अगर डायरेक्शन बदल रहा है इसका मतलब वेलोसिटी बदल रहा होगा, और जब वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन तो आएगा, ये तो कंफर्म है ना। दैट मींस कि अगर स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉन्स्टेंट देन एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, ये गलत है। इफ ए स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉन्स्टेंट देन एक्सेलरेशन मे बी जीरो, मस्ट बी जीरो। सर इसको ही इनर्सिया ऑफ मोशन कहते हैं क्या? अगम्य नहीं, इनर्सिया ऑफ मोशन इसको नहीं कहते ना, इनर्सिया ऑफ मोशन तो मैंने बताया था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहते हैं कि बॉडी विल मेंटेन इट्स पोजीशन अनलेस एंड अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इनर्सिया तीन तरह का होता है ना, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। सो दिस विल बी द केस ऑफ वन ऑफ द इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, जहां पर बार बार हम लोग डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, और ये डायरेक्शन तभी होगा जब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स लगेगा तो इसके पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ओके ओके अगर मैं चलिए, सो दिस इज एक्चुअली मैंने अभी आपको एक्सेलरेशन में बहुत सारा मोस्ट ऑफ द पॉइंट कवर कर दिया है ना, इतना सारे आपके सिलेबस में भी नहीं है, पर मैंने बता दिया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग समझ सकते हो। सो आई नो यू हैव कैपेबिलिटी। ओके चलिए, सो एक्सेलरेशन इसके बाद हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन रह गए हैं जिन्हें हमें डिराइव भी करना है। हम लोग दोनों मेथड से डिराइव करेंगे, आपके सिलेबस में क्या है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड है, हम लोग एल्जेब्रिक मेथड, न्यूमेरिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। सो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोग पहले से जानते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो ये तीन इक्वेशन है, कल के क्लास में ये होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ आज के असाइनमेंट में भेज देता हूं जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप कर सकते। सो चलिए मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।